Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janab, Chief Minister Sahib, Governor Pakhtunkhwa Shah Farman, Ambassador Nondrong, Parvez Khattak, Ministers, Khwateen o Hazrat. आज पख्तूनख्वा के लिए तो ख़ास तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशाइन दिन है. और मैं इसकी वजह आपको ये बताता हूँ कि इसके दो पहलू हैं. एक तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल पार्क बन रही है और फ्यूचर पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन में है. यानी अगर एक कौम की दौलत में इजाफा होना है, वेल्थ क्रिएशन होनी है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं हो सकती. और दूसरी इसकी खुशी की बात यह है कि हमारी ये जो रशिया का इकोनॉमिक जोन है, इसकी कोलैबोरेशन ये सीपैक के अंदर आता है, यानी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है. ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि आज अगर दुनिया में जो सबसे तेज़ी से मुल्क तरक्की कर रहा है वो चाइना है, और उसकी जो तरक्की है उससे हम सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं. जो मगरब के मुल्कों की इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पुरानी है, और वो उससे हमारा उससे हम रिलेट नहीं कर सकते. यानी उसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे पाकिस्तान इतना नहीं सीख सकता. लेकिन चाइना की सबसे रीसेंट सबसे यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पिछले 30-40 साल में चाइना इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, और जिस तेज़ी से हुआ है इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैं रशिया के इकोनॉमिक जोन के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब आपको पहले एक वार्निंग दे दूं. ये जो मुझे आप दिखा रहे थे कि इसमें बड़ा इंटरेस्ट है लोगों की इसको कॉलोनाइज करने का, ज़मीनें ख़रीदने का, ये इनकी ज़मीनों को बिल्कुल बेचे ना. ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि हमारा सेंचुरी स्टील आ चुका है, चाइनीज़ की फर्म, वो तो आ गई. लेकिन इनको लीज पे रखें और लीज पे कम पैसे पे लीज करें, क्योंकि जो बेचेंगे ख़तरा ये है कि जब आप इनको ज़मीनें बेचेंगे ये फिर रियल एस्टेट बन जाती है. हमारी जो कई इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो रियल एस्टेट स्पेकुलेशन में चली जाती हैं. कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं वहाँ कि वो जो इंडस्ट्री है वो वहाँ आती नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर पहले इतनी महंगी ज़मीन ख़रीदेगी फिर उसके ऊपर इंडस्ट्री लगाएगी तो उसके पास नफ़ा तो नहीं बचने लगा ज़्यादा. इसलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को के सामने बहुत बड़ी रुकावट है कि ये जब स्पेकुलेशन में ज़मीनें बिकनी शुरू हो जाती हैं. लिहाजा इनको लीज पे दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आएँ, बजाय इसके कि लोग प्रॉपर्टी का वो जो सारा पाकिस्तान में स्पेकुलेशन में काम शुरू हो जाता है, यानी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती जाती हैं सिर्फ स्पेकुलेशन पर. दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्री लगें. हमारा मसला क्या रहा है आज तक, जब से पिछले 50 साल से, उससे पहले पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था. हमारा मसला ये रहा कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी. अब जब तक आप दूसरी दुनिया को चीज़ें ज़्यादा बेचेंगी नहीं, आपकी दौलत कैसे बढ़ेगी? तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो मुल्क की दौलत तो नहीं बढ़ने लगी. और सिर्फ हम अगर अपनी अनाज बेचें, गंदम बेचें, चीनी बेचें या चावल बेचें, इससे तो पाकिस्तान अमीर नहीं होने लगा. हमारी जो औसत आमदनी है इससे तो ऊपर नहीं जाएगी. तो चाइना से जो हम सीख सकते हैं, इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइज़ किया, इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, इन्होंने ख़ास तवज्जो अपनी एक्सपोर्ट्स पर दी. इनकी जो स्पेशल जोन्स बनी इंडस्ट्री की, वो उसमें सिर्फ शुरू में एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने दुनिया से इंडस्ट्रीज़ को कहा कि आके यहाँ से एक्सपोर्ट करो, और उधर से इनकी डेवलपमेंट शुरू हुई. हमने कभी भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी.
तो ये जो रशा कई की जो इंडस्ट्रियल इस्टेट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रही है और वो भी सीपैक के नीचे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी यहाँ अथॉरिटी बनेगी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रेफरेंस दें, अगर ज़्यादा लोग आना चाहें एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दें। और दूसरी चीज़ कि वन विंडो ऑपरेशन, क्योंकि आपने अब अथॉरिटी बनाई है उसका मकसद ही ये है कि जो जब एक इन्वेस्टर आता है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। जितना इन्वेस्टर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। हमारे अब तक बदकिस्मती से हम इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं रहे, हम इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ नहीं हमने पैदा की। सिंपल ये लॉजिक ये है कि एक इंसान, मैं अगर मेरे पास पैसा है और मैं कुछ कारोबार शुरू करना चाहता हूँ तो मैं कारोबार तो तब शुरू करूँगा और उसमें से मुझे नफ़ा मिलेगा। मैं खैरात के लिए तो कारोबार नहीं लगाता। तो इन्वेस्टर उधर आता है जिधर उसको प्रॉफिट्स मिले। तो प्रॉफिट्स मिलने के लिए गवर्नमेंट का काम है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इनके अंदर इंसेंटिवाइज करें। इस वक्त चाइना के अंदर बहुत उनकी इंडस्ट्री है क्योंकि उनकी जो लेबर की कीमतें हैं जो वो इतनी ऊंची बढ़ती जा रही हैं कि उनकी बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो अब दूसरे मुल्कों में जा रही हैं जिधर जिधर मज़दूरों की कम कीमत है, यानी लेबर की तनख्वाहें कम हैं, बांग्लादेश जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं। तो हम पूरी अब कोशिश कर रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हम उनको वही इंसेंटिव्स दें ताकि वो बजाय उधर जाने के पाकिस्तान आएँ, क्योंकि हमारे इस वक्त पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव जगह बन सकती है। सिर्फ हमारा मसला ये है कि वो जब इन्वेस्टर आता है तो हम उसके लिए उस तरह की आसानियाँ नहीं पैदा करते, उसकी रुकावटें नहीं दूर करते। तो वो भी हमारी पूरी अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ हम बैठ के और मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद, अब हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो जो एक तो इंसेंटिवाइज करें ताकि हम अट्रैक्ट करें बाहर से भी, अपने लोगों को भी, अपने जो इंडस्ट्री लगाने वाले उनको भी हम अट्रैक्ट करें और उनको इंसेंटिवाइज करें। कोई ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तानी जाके अब दुबई में भी फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, बांग्लादेश भी जा कहीं मलेशिया चले जाते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी ज़हनियत अभी तक ये नहीं रही कि हम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, और उसको इतने हम चक्कर देते हैं, वो कभी इस ऑफिस में, कभी फलाने ऑफिस में, कभी कोई रुकावट आ जाती है और वो फिर एंड में छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरी गवर्नमेंट की अब सोच ऐसी हो कि सबसे ज़्यादा बड़ा VIP वो है इस मुल्क में जो नौकरियां पैदा करता है, जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, जो इंडस्ट्री सेटअप करता है, उसके लिए हम उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आप देखेंगे कि जितना अल्लाह ने हमारे मुल्क में नेमतें बख्शी हैं, जो पोटेंशियल है, ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है अभी इस वक्त। अब ये देखें कि हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इतना पैसा नहीं था कि जो हमने कर्ज़ों की किस्तें देनी थी, जो हमने बाहर की लाइबिलिटीज़ थी, पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क जिसमें सबसे पहले चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर UAE, ये अगर हमें उस वक्त फ़ंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था, हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे अपने जो लाइबिलिटीज़ थी। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये, ताकि लोगों को समझ आ जाए, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो करेंसी है वो गिर जाती है, क्योंकि अब बाहर से इन्फ्लोज बंद हो जाती हैं, डॉलर्स आने कम हो जाते हैं। और जब रुपया गिरता है तो जिस तरह हमने देखा सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं मुल्क में, सारी इम्पोर्ट जो भी बिजली, तेल, पेट्रोल, दालें, घी, ये सब महंगा हो जाता है, तो मुल्क में गुर्बत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले। उसके बाद हमने अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज किया और लोगों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। आवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो आसान टाइम नहीं था। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जब हमने 1.5 साल गुजारे। फिर जैसे ही उससे निकल रहे थे कोरोना आ गया, और कोरोना का आप दुनिया में देखें कि जिधर जिधर कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई है, हमें तो हाथ उठा के अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क को जिस तरह हम निकले कोरोना से,
शायद ही दुनिया में 3-4 मुल्क हैं कि जो पहले ही मुश्किल हालात में थे उसके बावजूद कोरोना से जिस तरह वो निकले हैं। अल्लाह ने करम किया, हमारी पॉलिसीज थी, NCOC को मैं ख़ास तौर पे, वह हमारा थिंक टैंक बैठा हुआ था, हर रोज़ जायज़ा लेता था। लेकिन हमने सबसे बड़ा फ़ैसला ये किया कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, क्योंकि लॉकडाउन से गुर्बत पैदा होती है, गरीब कुचला जाता है। अमीर मुल्कों में भी गरीब लॉकडाउन से कुचले गए हैं, तो हमारा मुल्क तो पहली मुश्किल हालात में था। अगर हम जो एक वक्त पर बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि जी लॉकडाउन लगा दो, कि FIR काटोगे इमरान खान की वजह से लोग मर रहे हैं, वो अगर प्रेशर में मैं आके लॉकडाउन लगा देता तो हमारा वो हाल होना था जो आज हिंदुस्तान का हाल है, कि ना कोरोना से बचना था, क्योंकि गरीब लोगों को, आप भूखे लोगों को तो आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। आप आदमी को कहेंगे जी हम आपको इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि बीमारी ना लग जाए, लेकिन वो भूख से मर रहा है, वो कितनी देर अंदर कमरे में अपने 4-5 बच्चों से और फैमिली से बंद रहेगा? वो हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में उन्होंने कोशिश की, वो नहीं हुई, तो केसेस भी बढ़ते गए, गुर्बत भी बढ़ती गई। तो हमने जब फैसला किया, अपने लोगों को गुर्बत से भी बचाया, इकॉनमी हमने बड़ी जल्दी खोल दी, कंस्ट्रक्शन बड़ी जल्दी खोल दी, हमने अपने एग्रीकल्चर को बिल्कुल रोका नहीं, और साथ साथ हमने वो जो सिलेक्टिव, जिसको कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, उससे अपने लोगों को भी बचा लिया। और आज अल्लाह का करम है कि हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं, वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था, हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं, हम न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। इंशाल्लाह ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, मुल्क अब उस रास्ते पर निकल गया कि आप देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेज़ी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये सबसे बड़े इंडिकेटर होता है कि मुल्क अब आगे, मुल्क की दौलत बढ़ रही है। हमारी जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर तारीख बनी है, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने जो सबसे बड़ा फैसला किया कि जो हमारे किसान थे, हमने उनको कहा कि जो ये शुगर मिल्स, ये एक एक साल तक पैसे नहीं देती थी जो काश्तकारों को, और फिर ये जो उनको प्राइस भी होता था, अगर 180 रुपया प्राइस फिक्स किया गया गन्ने का, तो वो 180 भी नहीं देती थी, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, कटौती होती थी बीच में से, वो 120 पे उनको कैश पे फ़र्क कर देते थे। हमारी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आपने फौरी तौर पे पैसा भी देना है और पूरी कीमत देनी है। उस कीमत से और जल्दी पैसे मिलने से जो पैसा गया किसानों के पास, उन्होंने अपनी ज़मीनों पर लगाया। इस बारी रिकॉर्ड पैदावार चावल की, मकई की, गंदम की, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो रिकॉर्ड पैदावार और पैसे भी रिकॉर्ड मिले हैं उनको, उसकी वजह से खुशहाली आई है। सारे देहातों के अंदर ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हुई है, मोटरसाइकिलों की सेल हुई है, गाड़ियों की सेल्स हुई हैं, फर्टिलाइज़र यानी खादों की सेल रिकॉर्ड हुई है। इससे हुआ क्या है कि सारे मुल्क की इकॉनमी उठनी शुरू हो गई और साथ इंडस्ट्री भी चल पड़ी है। तो आगे मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हमारा मुल्क वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता था थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, लोग घबरा जाते थे, क्योंकि ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में तो जाती नहीं है, ऊंच नीच होती है ज़िंदगी में। तो जब नीच आती है ज़िंदगी में तो इंसान को सब्र करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान की सबसे अच्छी सिफत अल्लाह को पसंद है, मुश्किल वक्त में सब्र करना, वो करता है जिस पर अल्लाह के मान होता है। और फिर कुरान की आयत है कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूँ, लेकिन ये ईमान वाले लोगों के लिए। और अल्लाह का करम है कि अब हमारे लिए जो बहुत मुश्किल वक्त था वो निकल गया। जो मैं अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ, जो अब ख़तरा है, एक वो ख़तरा ये है कि जैसे जैसे अब हमारी इकॉनमी बढ़ती जा रही है, प्रेशर अब पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट का मतलब होता है कि डॉलर मुल्क में कितने आ रहे हैं और डॉलर मुल्क से बाहर कितने जा रहे हैं। अभी तक जो पिछले 8-10 महीने में हमारा करंट अकाउंट जो
जब हमें मिली थी गवर्नमेंट 2.5 साल पहले, 20 अरब डॉलर का खसारा था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा हमें मिला था। अब पिछले 10 महीने से जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे है, तो हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं बनस्पत बाहर जाने के, जिसकी वजह से हमारा रुपया, ये भी पाकिस्तान में तारीख पे बड़ा कम हुआ कि पिछले कितने महीने में हमारा रुपया मजबूत होता गया। और हम कोई मार्केट के अंदर अपने पैसे नहीं, डॉलर नहीं फेंके, खुद ही मार्केट फोर्सेस से मजबूत होता गया। इसका मतलब हमारे रिजर्व्स बढ़ते गए हैं, तो मुल्क इस वक्त ठीक जगह पे खड़ा है। लेकिन ख़तरा ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमें इम्पोर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें मशीनें बाहर से ज़्यादा बुलानी पड़ेंगी। जब तक हमारे मुल्क ख़ुद ये चीज़ें नहीं बनाता, तो ख़तरा ये है कि हमारी जैसी जैसी इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारी करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमारे मुल्क से ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे बनस्पत अंदर आने के। इससे हमने अब बचना है। अभी तक तो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वो काम किया है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं किया, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी है उन्होंने, हमें वो पैसा भेजा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी वजह कि हमारा रुपया मजबूत है। तो इंशाल्लाह हम जो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, कि हम जब अब अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे तो साथ साथ हमने इसके ऊपर नज़र रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। IMF के पास हमें इसलिए जाना पड़ता है कि जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है, खसारे में चला जाता है, डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, लिहाजा हमें फिर IMF के पास जाके उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं। तो हम अब जिस तरह जा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ये और इस तरह की जो रशिया का इकोनॉमिक जोन है, इससे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। तो हमने वो पीरियड, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है उस सतह पे, हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने हर तरह और ज़्यादातर हम रिमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी से, और हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि बैंकों के थ्रू वो अपना पैसा भेजें। उससे ये होगा कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स, जिस तरह ये रशिया का और भी हमने इकोनॉमिक जोन जो CPEC के बीच में बनाए हुए हैं, अब जो अगला फेज CPEC का है वो ये इंडस्ट्रियल जोन्स का है। पहले तो कनेक्टिविटी थी और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी, अब इन्वेस्टमेंट आ गई है ये इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, और इंडस्ट्रियल जोन से इंशाल्लाह एक्सपोर्ट शुरू होगी, और एक्सपोर्ट से फिर हम बच जाएंगे कि जो हर थोड़ी देर के बाद जब हम ऊपर जाने लगते हैं हमारा करंट अकाउंट खसारे में चला जाता है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर हमें पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल जोन से हम इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे कि हमें फिर इस ट्रैप में ना फंसना पड़े। आखिर में मैं फिर से महमूद खान आपको और आपकी टीम को सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि आपने बड़ी तेज़ काम किया इस पे यहां पहुंचने के लिए, और मुझे पूरा इस चीज़ का इल्म है कि हमारे मुल्क में अभी आदत नहीं है कि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और कैसे हम उसको इंसेंटिवाइज करें, तो अभी भी हम रुकावटें डाल देते हैं। तो जो जो भी आपको रुकावटें आएंगी इसमें, आपने प्लीज़ मुझे आगाह करना है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आप पूरी सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट का मकसद ही ये है कि हम अपने मुल्क पे इंडस्ट्री प्रमोट करें, और ये हर जो भी आपको मसले आएंगे हमारे से इसमें रशा के में, जिधर जिधर भी आप फंसेंगे आप हमें बताएंगे, और इंशाल्लाह आपकी सारी हम रुकावटें दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।